उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ग्रामीणों का एक अनोखा प्रदर्शन सामने आया है, जिसमें बीकेयू कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के गांव के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर के ठंड में नदी में बैठ करके धरना प्रदर्शन किया। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में स्थित हिंडन नदी पर पुल बनवाने और आवारा पशु से निजात दिलाने की मांग को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के गाँव के ग्रामीणों ने भरी सर्दी में नदी में बैठ करके धरना प्रदर्शन किया। वहीं नदी में धरने की सूचना पर तुरंत एसडीएम सदर परमानंद झा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को पुल बनवाने और का आश्वासन देते हुए धरने को समाप्त कराया। पिछले चार साल तक हम लगातार जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से उनके ऑफिसों में जाकर अवगत कराते रहे कि यहाँ पे जो हिंडन नदी है सिकंदरपुर में, इस पे पुल का निर्माण करा जाए, क्योंकि पूरा ही गांव के चक परली तरफ है नदी पार में और इनके शमशान घाट भी परली तरफ है, लेकिन प्रशासन का कोई चू नहीं चली। और यहाँ पे गोवंश जो छुट्टा पशु यहाँ घूम रहे उनसे भी यहाँ फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। हमने अभी एक हफ्ता पहले भी लिखित में एसडीएम साहब को दिया था कि इन पर कार्रवाई करो, इन्हें गोवंशों को पकड़वा कर गौशाला भिजवाने का काम करें, यहाँ पर पुल बनवाने का काम करें। आज किस तरीके से और कहाँ पर खड़े? आज नदी में थे हम, नदी के अंदर ही, कोई अधिकारी जब नहीं आया हम लोग किसानों के साथ हम नदी के अंदर ही बैठ गए। करीब छत्ती पानी था और उसमें करीब हम दो घंटे वहीं पर बैठे रहे, आप हमारी हालत देख सको। उसके बाद प्रशासन हमारे बीच में आया और कल तक काम शुरू करने का पुल का आश्वासन उन लोगों ने हमें दिया और गोवंशों को पकड़वाने का आश्वासन दिया। उसी आश्वासन पर हम लोगों ने आज धरना स्थगित किया, खत्म नहीं किया, स्थगित किया। एक हफ्ते का समय प्रशासन को है। एक ग्राम सिकंदरपुर है, थाना चरथावल, ब्लॉक चरथावल और तहसील सदर मुजफ्फरनगर का गांव है। यहां पर हिंडन नदी बहती है, हिंडन नदी के उस पार कुछ ग्रामीणों के खेत हैं, तो जाते हैं, पानी लगभग घुटने भर पानी रहता है, जिससे दिक्कत होती है जाड़े का समय। वहां पर पुल की मांग की जा रही थी और श्री विकास शर्मा जो जिला पंचायत सदस्य और किसान यूनियन के नेता भी हैं, चरथावल ब्लॉक में बड़ा प्रखर उनका ये रहता है, तो उन्होंने जो है दो और साथियों के साथ पानी में ही बैठकर धरना शुरू किया था कि पुल जब तक नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। इसके अतिरिक्त आवारा और छुट्टे पशुओं के संबंध में भी उन्होंने कहा कि भाई ये भी हमारी मांग है कि यहाँ से आवारा और पशु। तो इस क्रम में हमने देखा, मैंने कहा ये मांग आपकी ठीक है, मैं देख लेता हूँ कहाँ तक फिजिबल है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से एक्शन से बात की और उन्हें भी अवगत कराया। यह प्रकरण चूंकि बजट का मामला है तो तत्कालिक रूप से राहत देते हुए हमने सभी जो भी हमारे सिंचाई विभाग के हैं, पीडब्ल्यूडी हैं और हम मुख्य विकास अधिकारी महोदय को भी यह अनुरोध किए हैं कि यहाँ पर कुछ तात्कालिक रूप से ह्यूम पाइप बिछा दी जाए ताकि ग्रामीण को जाने आने में कोई दिक्कत ना हो, नदी पार करने में कोई दिक्कत ना हो। इस पर ये संतुष्ट हो गए और ये फिर जो है धरना अपना समाप्त। भरे जाड़े में सर काफी देर तक किसान पानी के अंदर विरोध? हाँ, लगभग आधे घंटे तो रहे ही, तो आधे घंटे रहे। अब ये किसानों की मांग कहीं भी पूरी की जा सकती है, वो तो मैं ये नहीं कहता हूँ क्यों उन्होंने पानी में खड़े हुए, एक तरीका है अपनी बात कहने का, लेकिन उस सड़क पर भी यदि कहते, सूखे में भी कहते, तो खेत के मेड़ पर भी कहते, तो भी हम उनकी बात सुनते और बराबर लोगों की मांग जो भी रहती है उसको संवैधानिक रूप से जो वैधानिक तरीके हैं उनसे पूरी करने की पूरी कोशिश हमारी होती है। किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है, जो भी मांगे हैं उनको जो है हम लोग प्रखरता से उसको सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि यदि वो ठीक ठाक मांग है तो उसे पूर्ण रूप से उस पर ध्यान देते हुए उनकी मांगों को पूरी की जाए। ठीक।